जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेशली जो आपको कल मैंने एक CRPF का जो नोटिस दिखाया था आपको, उसके बारे में मैंने बताया था कि ये गलत है। नोटिस सही था, उसको मैंने ये बताया था कि गलत है, लेकिन गलत क्या बताया था उसमें, बहुत सारे कुछ लोग मेरे दोस्त हैं उन्होंने बोला कि सर ये नोटिस सही है, आप गलत बता रहे हो। गलत नहीं बता रहा मैं, आप चाहे कैसे भी प्रूव कर लो वो मैं आपको बता दूंगा। साथ ही आज जो SSB का जो ट्रेनिंग वाला जो वायरल हो रहा है कि उनका ट्रेनिंग मार्च से स्टार्ट है, उसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, साथ में इसकी भी बात करेंगे। तो पहले जो CRPF वाला है उस पर बता दूं दोस्तों कि उसमें मैंने ये बताया था कि आपकी जो ट्रेनिंग है वो अप्रैल से शुरू होगी, यानी आपकी फरवरी से ट्रेनिंग शुरू नहीं होगी। मैंने ये बोला था उसमें जो इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग है वो होनी है, उसमें आपने जो RTC जो आपने बताया कि इनके जो नाम है या इनमें जो सीटें डिवाइड कर दी है, तो वो सीटें तो डिवाइड है कि कहाँ कितनी कितनी सीटें होनी है, ये तो पहले से डिवाइडेड है। जब वैकेंसी सीटें शुरुआत में जब देते हैं तभी से वो फिक्स करते हैं कि भाई इनको यहाँ यहाँ हम ट्रेनिंग कराएंगे, ये सीटें डिवाइड रहती है। इसके अलावा मैंने बोला कि फरवरी में आपकी किसी भी तौर पे ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं होनी। अब जो SSB का जो वायरल हो रहा है कि मार्च में ट्रेनिंग है, मार्च में पॉसिबल है, अगर मार्च के लास्ट वाले अगर दिनों में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तो होना पॉसिबल है, बाकी फरवरी में कोई भी चांस नहीं है आपकी ट्रेनिंग का। आप खुद एक नॉर्मल सी बात देखिए, आपकी 20 जनवरी को अगर रिजल्ट आता है तो उसके 20 दिन बाद में आपके पास में ज्वाइनिंग लेटर रहेगा, यानी 10 फरवरी या 15 फरवरी के बीच में आपकी ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में रहेगी। उसके बाद में आपको 20 से 25 दिन दिए जाएंगे, तो 20 से 25 दिन भी अगर आपको दिए गए तो मतलब आपकी ज्वाइनिंग होगी मार्च में। मार्च में जब आपकी ज्वाइनिंग होगी उसके कम से कम आपको एक महीने का टाइम ग्रुप सेंटरों में लग जाएगा दोस्तों। 25 दिन आप कम से कम मान के चलिए ग्रुप सेंटरों में आपकी कार्रवाई होती है, उसके बाद में जो सेलेक्ट होते हैं उसमें 25 दिन का टाइम लगता है 20 से 25 दिन, तो यानी मार्च ख़त्म और अप्रैल स्टार्ट। तो मार्च के कोई एक दो दिन अगर मान लो 28 मार्च या 30 मार्च या 31 मार्च ऐसा, तो इसके लिए तो मैं 100% नहीं बोल रहा, लेकिन आपकी जो ट्रेनिंग है वो 28 मार्च यानी मार्च लास्ट या अप्रैल में ही होनी है। उसमें मैंने ये बोला कि अप्रैल में ही होनी है, तो फरवरी में किसी भी हिसाब से आपकी ट्रेनिंग पॉसिबल नहीं है। अब वो वायर उसमें नोटिस में आपने बोला कि कईयों ने बोला कि सर उसमें ऐसा लिखा हुआ कि ये इंस्ट्रक्टरों की ट्रेनिंग है वो जनवरी से नहीं, वो फरवरी से। आप अच्छे से देखिए उसमें फरवरी से इंस्ट्रक्टरों की जो ट्रेनिंग है CRV की रिफ्रेशमेंट वो चल रही है और आपकी ज्वाइनिंग है मार्च में होगी, ये आप मान के चलिए। मार्च से पहले आप किसी की ज्वाइनिंग हो पाना बहुत मुश्किल है। हाँ अगर कोई फरवरी मान लो एक दो अगर लास्ट के एक दो दिनों में अगर होती है तो वो मार्च में मान के चलिए, ये नहीं कि फरवरी 15 को हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है किसी भी हालत में। तो आपकी फाइनल मेट आने के बाद में 10 से 15 दिन का टाइम लगता है ज्वाइनिंग लेटर आने में, तो भी अगर फरवरी लास्ट में जाके भी अगर होती है तो भी एक महीने का टाइम लग के आपका जो ऐसे है कि अब SSB का जो नोटिस ये वायरल हो रहा है, आपने कईयों ने देखा होगा ये नोटिस कल से, इसमें क्या है इसमें शेड्यूल लिखा हुआ है, तो ये नोटिस 100% क्लियर है, इसके लिए बिल्कुल सही बोलता हूँ मैं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है न्यू रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, और भी इसके कई टाइप्स के और रखे, उसमें 44 वीक ट्रेनिंग साफ साफ लिखा हुआ है, 44 वीक ट्रेनिंग न्यू रिक्रूटमेंट SSB और इनकी ट्रेनिंग कहाँ होनी है उनका भी नोटिस अब वायरल हो रहे हैं कि इनकी ट्रेनिंग कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह होनी है, डिवाइड हो रखी है सीटें भी, यहाँ यहाँ पे इनकी सीटें जैसे डिवाइड कर रखी है कि यहाँ यहाँ पर इसकी इस सेंटर में 1000 होगी, इस सेंटर में 2000 होगी, तो ये इस हिसाब से डिवाइड कर रखी है। तो ये बिल्कुल 100% है और इसमें लिख रखा कि मार्च से स्टार्ट होगी। अब इसमें एक चीज़ और लिखी हुई जो आपको शायद नहीं पता, आपको इसके बारे में जानकारी नहीं, जब ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तो ट्रेनिंग से स्टार्ट से लेकर एंड तक का प्रोग्राम बनता है कि इतनी तारीख से शुरू होगी और इतनी तारीख को ख़त्म होगी, लेकिन इन कोई भी नोटिस में जो लास्ट डेट है वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोरोना की वजह से ले लो या आपकी ज्वाइनिंग की वजह से ले लो, 100% ये क्लियर नहीं है कि आपकी ज्वाइनिंग इसी टाइम पे मतलब इसी डेट को शुरू हो जाएगी, इसीलिए उसमें सिर्फ मार्च ही लिखा हुआ है। तो मार्च लास्ट या जब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी उससे फिर दिन काउंट होके वो लास्ट डेट आएगी, तो अभी लास्ट डेट नहीं आई है कि लास्ट डेट कब तक चलेगी, तो इसका मतलब है कि आपका मार्च में हाँ ट्रेनिंग स्टार्ट हो सकता है SSB का। अगर SSB का होता है तो सभी की मैं बोल सकता हूँ कि सभी ट्रेनिंग स्टार्ट हो सकती है, केवल SSB की नहीं, लेकिन मार्च के लास्ट वाले दिनों में या अप्रैल स्टार्टिंग में, तो ये तो मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि अप्रैल में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। मार्च तक आपकी ट्रेनिंग मतलब फरवरी में ट्रेनिंग हो पाना किसी की भी पॉसिबल नहीं है कि आपकी फरवरी में ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा कहीं नहीं है दोस्तों। तो जिनके भी SSB वाले हैं या जिनके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं उनके मैं बारे में बता दूं कि जिनके कईयों के हाथ के लग गई है, कईयों की चोट लगी है, बहुत ज़्यादा मेरे पास में मैसेज आने लगे हैं, कुछ मेरे को हाथ की फ़ोटो भेज रहे हैं, कईयों आँख की प्रॉब्लम है, कुछ मतलब बहुत प्रकार की परेशानी अब सामने आ रही है लोगों की कि मेरे को ये हो रखा, कोई बोलता है मेरे को ऐसी प्रॉब्लम है, कोई बोलता है मेरे को वैसी प्रॉब्लमें बहुत आ रही है, किसी के हाथ में पैर में बहुत बहुत प्रकार की समस्याएं हैं। तो अब मैं बता दूं इस टाइम पे आपको करना क्या है, उस बात का आप ध्यान रखना। अब जिनकी सर्जरी हो रखी है कि भाई आपके हाथ पैर कहीं पे भी अगर आपकी सर्जरी हो रखी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ अब आपका मेडिकल नहीं होगा दोबारा,
और मेडिकल में आपको छूट दी जाती है, आर्मी की बजाय इसमें छूट दी जाती है। कुछ बोल रहे सर मेरा किसी को अंकल मैंने एक मैसेज दिया कि सर मेरे को पाइल्स हो गई है, ये हो गया। डोंट वेरी, आप चिंता मत करो, अब इस बात के लिए बिल्कुल ही आप चिंतित ना हो कि आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो उसका अगर आप इलाज करा सकते हो इन दिनों में, जैसे आपको मैंने बताया दिया कि आपकी ज्वाइनिंग है इस माह में होगी, फरवरी में आपकी ज्वाइनिंग लेटर आएंगे और मार्च तक आपकी ज्वाइनिंग होगी, मार्च स्टार्टिंग में। तो जब तक अगर आप करा सकते हो इलाज तो आप करा लो, लेकिन अगर आप नहीं करा सकते तो आप बगैर फालतू की समस्या को गले नहीं लगा लेना कि मैं ऑपरेशन करा लूँ, ऐसा करा लूँ। एक बार ज्वाइन कर लेना, ज्वाइन करने के बाद में अगर आपको अनकंफर्टेबल या नहीं होगा तो आपको ट्रेनिंग लेट कर दी जाएगी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी। एक बार आप ज्वाइन ज़रूर कर लेना, इसके लिए आप किसी की भी आप मतलब इस प्रकार की सलाह ना माने कि अभी आप करा लो या घबरा के कि मेरे को वापस मेडिकल में बाहर ना निकाल दे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। किसी ने मेरे को हाथ की भेजी थी, किसी ने पता नहीं किसने भेजी थी पिक भेजी थी हाथ की, सर मेरे हाथ में ऐसे नस बाहर हो रखी है, किसी के पैर की नसें बाहर हो रखी है, हाथ पैरों में नसें कहीं बाहर होगी, कहीं की टीथ में प्रॉब्लम है, नाक में प्रॉब्लम है, किसी आँख ने बोला कि अब सर हमारी आँखें 6/6 नहीं रही है या ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो अब हम क्या करें। तो पहले दिन से मैं एक चीज़ हमेशा बोल रहा था कि अब दोबारा जो मेडिकल होता है वो सरसरी तौर पे मेडिकल होता है, जिसमें ये साफ साफ देखा जाता है कि इसके कोई जो शरीर का जो बाहरी अंग है तो कहीं चेहरा, मैंने एक बनाया भी वीडियो स्पेशली कि कैसे कैसे चेक होता है, तो उस पर कोई मतलब चोट या बड़ी कोई चोट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अगर होती भी है तो भी मैंने कई बार बोल दिया हूँ कि आपको वापस टाइम दिया जाएगा उसको तैयार कराने का, बाहर नहीं निकाला जाएगा। तो कहीं को घबराहट हो रही है ना बाहर वाली, वो मतलब बिल्कुल नो टेंशन रहो, आपको बाहर कोई निकालने वाला नहीं है, ठीक है। तो बाहर तो आपको किसी भी हालत में कोई नहीं निकालेगा, इसके लिए चिंतित ना हो और बगैर फालतू की आप समस्या गले नहीं लगा लेना। अगर इन दिनों में कोई आपकी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है हाथ में, पैर में, गले में, नाक में, कहीं पे भी, और जो इतने से दिनों में अगर तैयार हो सकती है मतलब 15-20 दिन महीने में, तो तैयार करा लो, अच्छी बात है। लेकिन अगर उसमें टाइम लग रहा है 1 महीना 2 महीना 3 महीने 4 महीने, तो वो काम अभी नहीं करना, आप सीधे एक बार जाके ज्वाइन करना। ज्वाइनिंग के बाद में आप ट्रेनिंग के लिए वहाँ पर लिख के भी ले सकते हो कि भाई मैं ट्रेनिंग इस बैच के साथ नहीं अगले बैच के साथ करना चाहूँगा या लेट ट्रेनिंग करना चाहूँगा, तो वैसा सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन ज्वाइन ज़रूर कर लेना, ज्वाइनिंग के टाइम अगर आपकी कोई अभी प्रॉब्लम है तो उसकी अगर मैंने उतनी देखना जितनी अगर 5-10 दिन की, उसके अलावा ऐसी समस्याओं को ले, चाहे किसी भी प्रॉब्लम आपको कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है आपको घबराने की जरूरत नहीं। मैं बार बार बोलूँ, चाहे किसी भी प्रॉब्लम, आप एक बार मेडिकल फिट है इसका मतलब आप फिट हो, आपका ज्वाइनिंग आ गया इसका मतलब आपको अब कोई भर्ती से निकालने वाला नहीं है, केवल एक फ्रॉड के अलावा। अगर आपने फ्रॉड किया है तो निकाल सकते हैं, इसके अलावा आपको भर्ती से निकालने वाला कोई भी नहीं दोस्तों, ठीक है। तो आपको 100% ज्वाइनिंग मिलेगी, ज्वाइन कर लेना और बिल्कुल बेफिक्र रह के ज्वाइन कर लेना, कोई आपको निकालने वाला नहीं है। आपकी चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको हर एक प्रॉब्लम के लिए अब टाइम दिया जा सकता है, लेकिन भर्ती से निकालना नहीं है। सभी को पता है कितना मुश्किल होता है लगना, उतना मुश्किल निकालना भी होता है, तो इसके लिए आप चिंतित ना हो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें। और हाँ, SSB की भी सभी बंदों की ट्रेनिंग एक साथ हो रही है, तो सभी डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग एक साथ होगी, इसका मतलब है कि आपकी ज्वाइनिंग सभी की एक साथ ही होने वाली है, तो ज्वाइनिंग किसी की आगे पीछे नहीं होगी, एक साथ ज्वाइनिंग होगी। हाँ, डेट में थोड़ा सा फर्क हो सकता है, किसी की 25, किसी की 5, किसी की 10, लेकिन ज्वाइनिंग एक साथ ही होगी, ट्रेनिंग भी एक साथ ही होगी। जय हिंद।